मेडल से प्रशस्ति पत्र पाकर होमगार्ड जवानों का सीना चौड़ा हुआ। दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि बागपत में होमगार्ड जवान ने फांसी लगाकर दी जान, सौजन में मचा कोहराम। चंदनगढ़ क्षेत्र के कहरका गांव में होमगार्ड ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह कमरे में शव को लटका देख सौजन में कोहराम मचा। कहरका गांव निवासी संजय पुत्र बलजीत यूपी होमगार्ड में कार्यरत थे। हाल ही में तैनाती सिंगावली एयर थाने में चल रही रोजाना की तरह शाम को ड्यूटी से घर लौटने के बाद उनसे बातचीत की। रात को कमरे में सोने चले गए, सुबह जाके तो देखा कि कमरे के बाहर नहीं निकले। तब घरवाले वहां पहुंचे, दरवाजा खोलते ही शव को पंखे पर लटका दे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर सुनकर अन्य लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। दोस्तों वही दूसरी बड़ी खबर है कि मेडल सहित प्रशस्ति पत्र पाकर होमगार्ड जवानों का सीना चौड़ा हुआ। थाना परिसर में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार कुंभ मेला 2019 में प्रयागराज में ड्यूटी के दौरान जिले के सभी होमगार्डों को मेडल सहित प्रशस्ति पत्र देने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस कप्तान ओम प्रकाश सिंह एवं कासिमाबाद क्षेत्र महिपाल पाठक के निर्देशानुसार बिरनू थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने अपने थाना परिसर के सभी होमगार्डों को मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 17 होमगार्डों को कुंभ मेला में ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल देने के निर्देश के तहत सम्मानित किया गया। आज हमारे सिस्टम में अन्य अंग हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते कार्य करते हैं, इनको सम्मानित करने का मौका मिला। हम सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने कार्य के पथ पर निरंतर प्रगति के चलते इस मौके पर अरुण कुमार पांडे दीवान अपने कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर मुँह मीठा किया। दोस्तों इस मौके पर काफ़ी लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल से जुड़ें, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।